हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज और ज्ञान में। आज का ये वीडियो जो है राइटर्स लोगों के लिए है जिनको लिखने का शौक़ है और जिन्होंने अभी तक कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन कहीं भी एसोसिएशन में नहीं करवाया, उनके लिए है। वो ये वीडियो देखें और समझें कि कैसे मेंबर बनते हैं एसोसिएशन के और अपना जो भी लेखन कार्य है उसको रजिस्टर्ड करवा के सेव करते हैं। तो आइए चलते हैं। ये मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, मैं मेंबर हूँ SWA का, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का। ये मैंने 2018 में दिसंबर में करवाया था और ये मुझको आया था लिफाफा। ये देखिए, ये मेरा कार्ड है, ये है इसकी डेट है, ये जब 10/12/2018 और ये चलेगा 9 दिसंबर 2021 तक। इसका मैं फेलो मेंबर हूँ। शुरू में जो भी आदमी मेंबर बनता है वो फेलो मेंबर ही बनता है। और ये इसका पीछे का है, ये बॉम्बे में है स्क्रीन राइटर एसोसिएशन। और ये इसमें मेंबर बनने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले देख लीजिए कि क्या क्या आया था ये कार्ड। और इसमें ये देखिए, ये इसमें बुकलेट इकाई थी, संविधान लिखा हुआ है। और ये इसमें जो है ये पैसे की रसीद है, 2870 रुपये लगे थे इसमें, और ये उसकी जो है रसीद है। अब इनका रेट कम हुआ है ज़्यादा हुआ अब मैं नहीं बता सकता। आप इनकी www.swaindia.org पे जाके इनका सब पता कर सकते हैं। और एक ये कागज़ है, इसमें देखें, इसमें ऑनलाइन पंजीकरण करने के तरीके हैं। जो लोग वहाँ बॉम्बे नहीं रहते हैं या वहाँ नहीं जा सकते इनके ऑफिस में, वो किसी भी शहर से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं मेंबर बनने के बाद। और ये इधर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये भी पढ़नी ज़रूरी है। तो अब मैं आपको जो है बताता हूँ ये कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले तो आपको जो है इनकी साइट पे जाके, इनकी जो वेबसाइट है वहाँ जाके इनका एक ये फॉर्म है, ये फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है और उसका प्रिंट निकालना पड़ता है। ये इनका जो है वेबसाइट है www.swaindia.org, इस पे लिखा हुआ है मेंबरशिप फॉर्म। ये वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसको पूरा भरिए। और इसके साथ जो है आप एक तो इनकी जो फ़ीस होगी उसका चेक भेजना पड़ेगा, और ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब आपको भेजना पड़ेगा। और बाकी इन्होंने जो जो मांगा है, जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने उसमें लिखे होंगे, वो सब भेजिए। इसको चाहे आप जो है कोरियर करिए और चाहे आप जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए। और जब आप भेजेंगे उसके 10-15 दिन बाद ये बन के आ जाएगा। उसमें आपको एक जो है नंबर मिलेगा, मेंबर नंबर, और वो उस नंबर को जब आप डालेंगे वहाँ ऑनलाइन जाके तो आपके नाम का पूरा इनका फॉर्म खुलेगा। उसको पूरा भर के फिर आप अपना जो भी लेखन कार्य है उसको वहाँ पे डाल के उसकी PDF फाइल डालनी पड़ती है, तो फिर जो है रजिस्टर्ड होता है। ऑनलाइन पेमेंट भी करनी पड़ती है साथ में। तो इसमें जो है मैंने अपने कुछ गाने रजिस्टर्ड करवाए हैं। एक गाने का जो है केवल 45 रुपये लगते हैं, 45 रुपीज़। तो आप भी इसके मेंबर बनिए और उसके बाद जो है अपना जितना भी लेखन कार्य है उसको जो है रजिस्टर्ड करवाइए, ताकि कभी भी आप किसी को वो अपना कार्य दिखाएं तो वो उसको चोरी ना कर पाए। वरना फिर अगर आपका जो है कॉपीराइट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पे कोई भी जो है काम, तो किसी को भी दिखाएंगे वो उस समय आपको मना कर देगा और बाद में वही चीज़ बना लेगा और आप कोई भी दावा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है और ज़्यादा फीस भी नहीं है और ज़्यादा इसमें पैसे भी नहीं लगते। तो इसको बनवाइए और अपना काम सारा पहले रजिस्टर्ड करवाइए, उसके बाद फिर आप जाके किसी को दिखाइए, सुनाइए और बनवाइए। अगर वो नहीं भी बनाएगा तो उसको आप दिखा दीजिएगा कि ये जो है ये मैंने जो भी लिखा है ये रजिस्टर्ड है SWA में। उसको देख के वो फिर उस चीज़ को चोरी नहीं करेगा और ना ही उसके ऊपर बनाने की कोशिश करेगा। अगर बनाएगा तो आपसे परमिशन लेके बनाएगा। तो
सारा मैंने बता दिया है कैसे होता है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख के पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।